नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 अप्रैल। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना के मामले में लगातार हो रहा है इजाफा। जहां बिहार में कोरोना के फैलने के दर को कम माना जा रहा था, वहीं बीते दिन कोरोना के मामले में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। खबरों की माने तो मुंगेर, नालंदा, बक्सर, बांका को मिलाकर बीते दिन मिले मामलों के बाद बिहार का आंकड़ा 223 पहुंच चुका है, जिसके बाद बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया है। वहीं सरकार ने ज्यादा प्रभावित जिलों को जल्द से जल्द सैनिटाइज करने का ऐलान जारी किया है। साथ ही सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घर घर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रमजान में घरों में ही नमाज पढ़ने की सलाह दी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रमजान के महीने में सभी मुस्लिम भाई बहनों से घरों में ही नमाज पढ़ने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार बिहार में कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों से एक जगह पर इकट्ठा होने उनकी सेहत के लिए गलत बताया गया है। इतना ही नहीं, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह भी कहा है कि रमजान में धर्म का पालन करने की जरूरत है, साथ ही अल्लाह से संपूर्ण मानवता की रक्षा की दुआ करने की भी अपील की गई है। गया एयरपोर्ट से 171 यात्री थाईलैंड के लिए हुए रवाना। अचानक से बंद के आदेश के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में फंसे थाईलैंड के यात्रियों को वापस भेज दिया गया है, जिसके लिए थाईलैंड के सभी 171 यात्रियों के लिए विशेष विमान की व्यवस्था करवाई गई थी। आपको बता दें, थाईलैंड सरकार ने बंद में फंसे अपने सभी यात्रियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से आग्रह किया था, जिसके बाद भारत सरकार ने विशेष अनुमति देते हुए सभी को वापस भेजने का अनुमति प्रदान किया था। ज्ञात हो, भारत में थाईलैंड से कुल मिलाकर 342 यात्री फंसे हुए थे, जिनमें से 171 बिहार में थे। उत्तर बिहार की सब्जियों को 12 राज्यों में भेजने की जिम्मेदारी उठाई रेलवे ने। रेलवे ने उत्तर बिहार की सब्जियों को 12 अलग अलग राज्यों में भेजने की जिम्मेदारी उठाई है, जिसके तहत रेलवे ने सब्जी नहीं बिकने की समस्या को देखते हुए बिहार समेत झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तक सब्जियों को पहुंचाने का काम शुरू किया है, जिसके लिए रेलवे ने सीधा उद्यान विभाग से इस सुविधा के लिए संपर्क किया है। वहीं किसानों को भी इस बात से अवगत करवाने के लिए रेलवे ने उद्यान विभाग से बातचीत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हॉटस्पॉट इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने की कही बात। कोरोना के मामले में बिहार में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में की गई समीक्षा बैठक में सभी हॉटस्पॉट इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी अस्पतालों में ओपीडी व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूत करने का आदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट लिस्ट और ट्रैवल हिस्ट्री को भी जल्द से जल्द पता लगाने का आदेश जारी किया है। साथ ही घर घर जाकर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को तेज करने की भी अपील की है। बाहर फंसे बिहार के छात्र छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। बिहार के बाहर फंसे छात्र छात्राओं के लिए बिहार सरकार ने बंद की अवधि में हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे कि अब छात्र द्वारा दिए गए सूचना के बाद उनकी हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया गया है। खबरों की माने तो बिहार सरकार की टीम ने सभी छात्रों की मदद के लिए यह कदम उठाया है, जिसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। वहीं सरकार द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार है, 0612-22-94600। सरकार ने बालू खरीद बिक्री को दी मंजूरी। सभी बालू विक्रेताओं के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने बालू खरीद बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 20 अप्रैल के बाद से पुल और सड़क निर्माण में मिली मंजूरी के बाद अब बालू की खरीद बिक्री को हरी झंडी दे दी गई है। ज्ञात हो, निर्माण कार्य में बालू की कमी से रुकावट आने लगा था, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मंजूरी दे दी है। खबरों की माने तो बिहार सरकार ने राज्य में नेशनल और स्टेट हाईवे की सड़कों के निर्माण, पुल पुलिया के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी है। वहीं बिहार सरकार ने खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू की बिक्री का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे हालात की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों की जारी मांग को देखते हुए अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार खुद से इस मुद्दे पर समीक्षा की है। बीते दिन में बैठक और समीक्षा से नियोजित शिक्षकों को सरकार कोई फैसला सुना सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते कई महीनों से सभी नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग को लेकर लगातार सड़कों पर बने हुए थे। हालांकि बंद के ऐलान के बाद सड़कों पर से तो उठ गए, मगर अपनी मांग पर अड़िग रहे। बिहार के सभी 38 जिलों में होगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी 38 जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करवाने का आदेश जारी किया है, जिसकी पहल जल्दी शुरू कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में लगातार कोरोना के मामले में वृद्धि देखी जा रही है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर घर जाकर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को बढ़ाए जाने की अपील की है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी आम नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। डीजीपी के रिश्तेदार से चालान लेने वाले थानेदार और सब इंस्पेक्टर को मिलेगा रिवॉर्ड। बीते दिन एक युवक बिना किसी पास के सड़कों पर खुलेआम घूम रहा था, जब पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ा तो उसी वक्त उसने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने खुद को डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का रिश्तेदार भी बताया, लेकिन पुलिस की टीम ने सख्त से सख्त कदम उठाते हुए बेवजह सड़क पर निकलने और नियम का उल्लंघन करने के लिए उससे राशि ली, जिसके बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद उन पुलिसकर्मियों की तारीफ की है, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया है। इतना ही नहीं, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इन दोनों को 5,000 का रिवॉर्ड देने की बात भी कही है।
बिहार में युवाओं पर हावी हो रहा है कोरोना। जहां एक तरफ कोरोना के बारे में यह कहा जा रहा था कि इससे युवा के प्रभावित होने के मामले बहुत कम है, वहीं इसके उलट बिहार में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बिहार में अधिक पॉजिटिव मरीज की उम्र 40 साल से कम है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के लास्ट अपडेट के अनुसार कोरोना प्रभावित व्यक्तियों में सबसे ज्यादा युवाओं की सूची देखने को मिल रही है। वहीं बिहार में बीते कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा गया है। इसके बाद सरकार सख्ती में आ गई है। पीपीई किट बनाने में दानापुर रेल मंडल देश में दूसरे स्थान पर। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पीपीई किट बनाने की मुहिम को तेज करने की अपील की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए दानापुर रेल मंडल देश में दूसरे स्थान पर पीपीई किट बनाने की मुहिम में पहुंच चुका है। वहीं भारत में लगातार कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में दानापुर रेल मंडल का योगदान बेहद ही सराहनीय है। खबरों की माने तो अब तक दानापुर मंडल ने 2250 किट्स बना लिए हैं, वहीं 30,000 किट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा ने प्रशांत किशोर का लॉन्च किया कार्टून। बीते दिन प्रशांत किशोर के पश्चिम बंगाल जाने के बाद राजनीति जोर शोर से शुरू हो गई है, जिसके बाद भाजपा लगातार प्रशांत किशोर के बंद के दौरान भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर सवाल उठा रहा है। इसी क्रम में भाजपा ने प्रशांत किशोर का एक कार्टून लॉन्च किया है, जिसको लॉन्च करने के साथ ही भाजपा ने यह सवाल भी किया है कि कार्गो फ्लाइट से इस तरीके से चुपचाप दिल्ली से कोलकाता कैसे गए। प्रशांत किशोर जी क्यों भूल जाते हैं कि आप अब चिटफंड या शेयर कंपनी के कर्मचारी नहीं बल्कि राजनीति में हैं, जहां सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की कद्र होती है। इतना ही नहीं, भाजपा प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर से यह भी पूछा कि प्रशांत किशोर बताएं कि उन्होंने बंद का उल्लंघन क्यों किया। कोरोना टेस्ट के लिए पहुंचे डॉक्टरों के साथ फूल से होने लगा है स्वागत। जहां कल तक डॉक्टर के आने पर कई लोगों ने डॉक्टरों के साथ अप्रिय बर्ताव किया था, वहीं अब बिहार के सुपौल जिले में डॉक्टर के पहुंचते ही उनका स्वागत फूलों से किया जा रहा है। खबरों की माने तो बिहार के सुपौल में बीते दिन डॉक्टर की टीम कोरोना की जांच के लिए पहुंची थी, जहां पर डॉक्टरों के समूह में डॉक्टर ममता, डॉक्टर ठाकुर के साथ साथ पूरी मेडिकल टीम लोगों की जांच के लिए पहुंची थी। जहां पर लोगों ने जांच करवाने से पहले जिस तरीके से भगवान की पूजा अर्चना की जाती, वैसे उनकी पूजा अर्चना की, उसके बाद जांच करवाया। रामकृपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया बचाव। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी दल बिहार सरकार पर लगातार कोटा से छात्रों को वापस नहीं बुलाए जाने पर तंज कस रहे, वहीं अब भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने सरकार का बचाव करते हुए यह कहा है कि अगर छात्रों को वापस लाया गया तो बंद के नियमों का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ कोटा में ही बिहार के छात्र नहीं फंसे हुए हैं, भारत के अलग अलग राज्य में बिहार के कई छात्र फंसे हुए हैं। अगर कोटा के छात्रों को बुलाया गया तो फिर विभिन्न राज्यों के छात्र भी वही मांग करेंगे, ऐसे में बंद के नियमों का पालन करना असंभव हो जाएगा। बंद की अवधि समाप्त होने के बाद इस मुद्दे पर आगे की चर्चा होगी। बंद में आज से रमजान की होगी शुरुआत। बंद के बीच आज से रमजान की शुरुआत होगी। इस बार 14 घंटे 26 मिनट का पहला रोजा होगा। वहीं इस बार रमजान के सभी लोगों से घरों में नमाज पढ़ने और रोजा खोलने की अपील की गई है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत को लेकर राज्यवासियों को मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहने की भी सलाह दी है, जिसके तहत उन्होंने और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी मुसलमानों से अपील करते हुए कोरोना की वजह से एहतियात बरतने और घर से ही नमाज और रोजा करने की अपील की है। 19 मई तक शिक्षकों द्वारा किए गए निलंबन को वापस लेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने शिक्षकों के साथ शांति वार्ता का रास्ता बनाते हुए ड्यूटी ज्वाइन करने के अच्छे संकेत दिए हैं। वहीं काम छोड़कर सड़कों पर उतरे शिक्षकों से दोबारा स्कूल ज्वाइन करने वाले शिक्षकों पर विभाग ने नरमी दिखाई है, जिसके तहत नौकरी ज्वाइन करने की इच्छा रखने वाले शिक्षकों से उनके निलंबन को वापस लेने का ऐलान जारी किया गया है, जिसकी जानकारी राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने बताया कि सड़कों पर उतरे सभी शिक्षक डीईओ और बीईओ कार्यालय में जाकर फिर से सेवा ज्वाइन कर सकते हैं। बीते एक महीने में लगभग 9 करोड़ वसूला गया। बीते एक महीने में बंद के नियमों का पालन नहीं करने वालों की लंबी कतार देखने को मिली है, जिसके तहत नियम तोड़ने वालों से लगभग 9 करोड़ रुपए वसूला गया है। हालांकि प्रशासन के बार बार समझाने के बावजूद आम जनता समझने को तैयार नहीं है, और यही कारण है कि पुलिस को बार बार सख्ती से पेश आना पड़ रहा है। बिहार पुलिस की तरफ से मिले आंकड़ों के अनुसार 24 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक नियमों का पालन नहीं करने वाले 1487 मामले सामने आए हैं, वहीं 1354 लोगों को बंद भी किया गया। इसके साथ ही 40,427 गाड़ियों को लॉकडाउन का पालन नहीं करने के लिए लिया गया है। एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही किया जाएगा जारी। एसटीईटी परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिन्हा के अनुसार एसटीईटी के साथ टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी बंद खत्म होने के साथ ही कर दी जाएगी। इसके लिए एसटीईटी का रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। खबरों की माने तो शिक्षा विभाग द्वारा बीते दिन की गई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद राज्य में 34,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला भी लिया गया। वहीं एनसीटीई से सभी शिक्षकों की बहाली के लिए गाइडलाइन की मांग की गई है।
तेजस्वी यादव के शायराना ट्वीट पर जदयू ने दिया जवाब। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले ही जदयू पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जो मुश्किल में घर से दूर है वह बिहार का मजदूर है, वीआईपी पास हटाओ, मजदूरों को वापस लाओ। जिसके बाद जदयू नेता निखिल मंडल ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो मुश्किल में बिहार से दूर है ऐसे समय करता मस्ती का टूर है, कुछ अपना भी फर्ज निभाओ, चार्टर प्लेन में जन्मदिन मनाए थे, अरे भाई कम से कम उसी से तो वापस आ जाओ। पीडीएस से अनाज लेने वालों को कुछ नियमों का करना होगा पालन। पीडीएस दुकानों से अनाज लेने वालों को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी हो गया है। इसके तहत बिहार में किसी भी राशन कार्ड धारी को अगर पीडीएस से अनाज लेना है तो पीओएस मशीन में अंगूठा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि बंद के आदेश के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पीओएस मशीन से अंगूठा लगाने से छूट दे दी थी, लेकिन सरकार के पास कम अनाज वितरण और दूसरी जगह से कई समस्याओं के आने के बाद सरकार ने अपने फैसले को वापस लेते हुए मशीन में अंगूठा लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिहार सरकार पर चिराग पासवान हुए गर्व। बीते दिन लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार सरकार से लाभार्थियों की सूची की मांग की थी, जहां पर उन्होंने सूची के अनुसार सभी को अनाज देने की बात कही थी। वहीं बिहार सरकार की तरफ से सूची नहीं मिलने के बाद चिराग पासवान ने बिहार सरकार को सख्त रवैया दिखाते हुए यह साफ कहा है कि अगर सरकार लाभार्थियों की सूची नहीं भेजेगी तो उन्हें अनाज कैसे पहुंचाया जाएगा। जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है, मगर बिहार सरकार अभी तक सूची नहीं भेज पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जहानाबाद जिले के पंचायत से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन पंचायती राज दिवस के दिन सभी पंचायतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी, जहां पर उन्होंने पंचायतों को मजबूत करने की पहल तेज करने की अपील की। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जहानाबाद जिले के जारी पंचायत का हाल जाना था, जिसके साथ ही उन्होंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल का उद्घाटन भी किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पंचायतों में सोशल डिस्टेंसिंग और बंद के नियमों का पालन किए जाने की भी रिपोर्ट ली। सचिन तेंदुलकर का बेटा मानने वाली लता मंगेशकर ने जन्मदिन पर शेयर की एक फोटो। भारतीय टीम के बेहतरीन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर उन्हें बेटा मानने वाली लता मंगेशकर ने एक बेहद ही पुरानी तस्वीर को शेयर किया है। साथ ही अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, नमस्कार सचिन, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी और आप हमेशा सुखी रहे, यह मेरी मंगल कामना है, घर में सभी परिवार को मेरा नमस्कार। जिसके तहत लता मंगेशकर ने सचिन तेंदुलकर की 3 तस्वीरों को शेयर किया था, जहां पर एक में सचिन तेंदुलकर के साथ अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर दोनों ही मौजूद है। छोटी उम्र के लोगों के लिए फेसबुक मैसेंजर ऐप भारत में हुआ लॉन्च। फेसबुक ने छोटी उम्र के लोगों के लिए फेसबुक मैसेंजर किड्स ऐप को लॉन्च कर दिया है। खबरों की माने तो यह ऐप फिलहाल 70 से ज्यादा देशों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। इस ऐप में कई नए फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि अकाउंट का अधिक पैरेंटल कंट्रोल माता पिता के हाथ में होगा। इसके मदद से छोटी उम्र के लोग अपने दोस्त और परिवार से कॉन्टैक्ट कर सकेंगे, वह भी अपने माता पिता के नजरों के बीच। इस ऐप में 1-to-1 या ग्रुप वीडियो चैट का ऑप्शन भी दिया गया है। वहीं पेरेंट्स के अप्रूवल के बाद ही कोई भी चैट के दौरान तस्वीर या वीडियो भेज सकेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत कुमार गुप्ता, नीतीश कुमार, सुधीर कुमार, राम विजय कुमार, अर्जुन कुमार, रमेश यादव, अमरेंद्र ठाकुर, रंजीत कुमार, अवधेश कुमार, दीपक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करवाना कोरोना से विजय पाने में कितना सहायक साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।